जादुई घंटी। नदी के किनारे था एक छोटा सा गांव। उस गांव में हर कोई अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाया करता था। उसी गांव में श्रीनु नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह गायों का देखभाल करता था। श्रीनु को संगीत का बहुत शौक था। वो हर सुबह गायों को जंगल में ले जाता था अपने गीत गाते गाते। जब तक सारे गाय चराई करते थे, तब तक वे बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता थे और गीत गाया करता था। शाम तक वह गायों को देखभाल करने के बाद वे सारे गायों को मालिक के पास ले जाया करता था। इस काम के लिए मालिक श्रीनु को 1 रुपया दिया करता था। श्रीनु अच्छे से अपनी 1 रुपये कमाया लेकर घर जाया करता था अपनी माँ और छोटे भाई के पास। श्रीनु के घर में रोजी रोटी कमाने करने वाले केवल वही था। एक दिन जब वो फिर से गायों को अपने साथ जंगल ले जा रहा था, तब श्रीनु ने एक आदमी को वो भरगत के पेड़ को काटने हुए देखा। श्रीनु ने ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया। चट से वे भरगत के पेड़ बचाने की एक योजना बनाई। श्रीनु उस आदमी के पास गया और बोला, ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता, कई साल पहले यहाँ एक ऋषि ने इस पेड़ को एक प्रदान दिया था। अगर इस पेड़ को किसी ने भी काटा तो पेड़ जीवित हो जाएगा और काटने वाला का नाश कर देगा। श्रीनु के बातों का उस आदमी को विश्वास हुआ और वो वहां से डरकर भाग गया। उसी समय एक चमत्कार हुआ और बरगद के पेड़ सच में जीवित हो गया। पेड़ ने श्रीनु को धन्यवाद किया और फेंट में उसको एक घंटी दी। श्रीनु ने उस घंटे की ओर देखा और बोला, ये तो काफी साधारण घंटी है, मेरे किस काम आएगी? पेड़ ने जवाब दिया, ये कोई साधारण घंटी नहीं है बच्चे, इसमें जादू है। इस घंटे की मदद से तुम कोई भी भोजन चीज पा सकती हो, परंतु पूर्ण दिन में तुम ये घंटी का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। घर पहुंचने के बाद श्रीनु के माँ ने पूछा, बेटा आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या हुआ? जो भी उस दिन हुआ श्रीनु ने अपनी माँ और भाई को सब बताया। अब से हमको भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो चाहे वो खा सकते हैं। श्रीनु ने घंटी बजाई और उनके सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उस रात सबने पेट भर के भोजन किया और खुशी खुशी सो गए। अगले दिन श्रीनु काम पे निकल पड़ा, परंतु वह घंटी घर पर ही भूल गया। शाम को श्रीनु भूखा घर वापस लौटाया। उसको लगा वो घंटी बजाएगा और गरम गरम भोजन खा जाएगा, लेकिन उसकी माँ और भाई ने पहले ही घंटी को इस्तेमाल कर लिया था और श्रीनु को थोड़ा सा खाना छोड़ा था। घंटी एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती, इसलिए श्रीनु कुछ भी नहीं कर पाया। वो भोजन श्रीनु के लिए काफी नहीं था। श्रीनु को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और लालच में उसने सोचा, माँ और छोटू ने मेरे लिए बहुत कम खाना रखा है, अब से ये घंटी अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन श्रीनु ने घंटी को लिया और काम पर निकल पड़ा। श्रीनु के माँ और छोटे भाई को इस बात का नहीं पता था और वे सारे घर में घंटी को ढूंढने लगी। शाम को जब श्रीनु वापस लौटाया, श्रीनु के छोटे भाई ने कही, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, हमने घंटी को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। उस समय श्रीनु ने अपने जेब से घंटी को निकाला। श्रीनु के माँ ये देखकर बहुत आश्चर्य रह गए। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम ये घंटी अपने साथ ले गए थे? तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अपने स्वार्थ के लिए तुमने हमको भूखा छोड़ दिया। श्रीनु के तो बहुत बुरा लगा और उसको अपनी गलती से एहसास हुआ। मैया, कल आपने और छोटू ने मेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा भोजन रखा था, इसीलिए मैं स्वार्थी बन गया
और घंटी साथ ही ले गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उस दिन से श्रीनु का परिवार खाने को लेकर कभी चिंतित नहीं हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखते हैं कि हमको हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।